दोस्तों, अगर आपने भी कभी वेटिंग टिकट बुक किए हैं या फिर आप अपना वेटिंग टिकट बुक करने के लिए सोच रहे होंगे, तो आपके भी मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आपका वेटिंग टिकट कन्फर्म होगा या फिर नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग वेटिंग टिकट तो बुक कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि कौन सा वेटिंग टिकट जल्दी कन्फर्म होता है। जैसे कि यहाँ पे चार प्रकार का वेटिंग टिकट होता है, जैसे कि GNW, RLW, TQW और PQW। इसमें से सबसे पहले दोस्तों आपका कौन सा वेटिंग टिकट कन्फर्म होता है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो मैं आपको इस वीडियो में वेटिंग टिकट के बारे में बताने वाला हूँ, अगर आप उसको बुक करते हैं तो आपका 110% बोलता हूँ यहाँ पर गारंटी देके कि आपका वेटिंग टिकट कन्फर्म हो जाएगा। और फिर दोस्तों, आप भी अपना वेटिंग टिकट बिना कन्फ्यूजन का बहुत ही आसानी से बुक कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप यहाँ पे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप में आ जाएंगे। इसके बाद तो आप यहाँ पे प्लान माई जर्नी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रॉम में आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको कहाँ से जाना है, और टू में आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको कहाँ तक जाना है। इसके बाद आप यहाँ कोटा में जनरल रहने देंगे। इसके बाद तो आप यहाँ कैलेंडर पर क्लिक करेंगे और इस कैलेंडर से सेलेक्ट करेंगे कि आपको किस डेट में सफ़र करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे सर्च ट्रेन पे क्लिक कर दीजिएगा। सर्च ट्रेन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ स्लीपर में बुक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपका वेटिंग लिस्ट यहाँ पे दिखाई जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे सीट नहीं होगा तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट दिखाया जाएगा। अगर यहाँ पे सीट होगा तो यहाँ पे अवेलेबल दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए कि अगर आप इसमें वेटिंग टिकट बुक करना चाहते हैं तो ये टिकट यहाँ पे कन्फर्म होगा या फिर नहीं होगा, ये कैसे आप जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका नीचर फेयर भी शो हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आप यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि GNW 243 है और यहाँ पे वेटिंग लिस्ट यहाँ पे 198 है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे GNW लिख के आता है और यहाँ पे कितना भी GNW यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में होगा, तो अगर आप इस टिकट को बुक करेंगे तो आपका यहाँ पे 110% बोलता हूँ कि आपका यहाँ पे टिकट कन्फर्म हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपका दूसरा रूट का टिकट चेक करके बताता हूँ कि ये कन्फर्म होगा या फिर नहीं होगा। आप यहाँ वही प्रोसेस कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ सर्च ट्रेन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपको इस ट्रेन में सफ़र करना है तो आप यहाँ स्लीपर पर अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से आप यहाँ उसी स्टेप को फॉलो करेंगे। आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि PQW यहाँ पे 103 वेटिंग है और यहाँ पे WL में यहाँ पे 66 वेटिंग लिस्ट है। तो दोस्तों, आप इस टिकट को अगर बुक करते हैं तो आपका टिकट यहाँ पे ज़्यादातर चांस है कि आपका यहाँ पे कन्फर्म नहीं होगा। आप यहाँ पे अगर कन्फर्म टिकट ऐप के द्वारा PNR नंबर डाल के चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखाएगा 60% चांस है या फिर 70% चांस है। तो वो सब यहाँ पे बकवास है। आपका यहाँ पे ये टिकट कन्फर्म नहीं होगा। दोस्तों, इस टिकट का यहाँ पे बहुत ही कम चांस होता है कि यहाँ पे कन्फर्म हो जाए। लेकिन दोस्तों, अगर आप यहाँ पे GNW वेटिंग लिस्ट वाला टिकट बुक करते हैं तो आपका 110% टिकट कन्फर्म हो जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे वेटिंग टिकट यहाँ पे बुक किया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे आप PNR नंबर भी देख सकते हैं। और इस टिकट को मैंने 5 मार्च को बुक किया था और इसका जर्नी डेट यहाँ पे 11 मार्च को था। यानी दोस्तों, यहाँ पे 5 दिन पहले बुक करके मैं अपने टिकट को कन्फर्म कर लिया हूँ। इसके बाद दोस्तों, मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप पैसेंजर का नाम देख सकते हैं, उनका एज देख सकते हैं और यहाँ पे जेंडर देख सकते हैं और यहाँ पे आप बुकिंग स्टेटस देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे 128 यहाँ पे बुकिंग स्टेटस में था। और यहाँ पे करंट स्टेटस, जब मैंने इस टिकट को बुक किया था तो यहाँ पे मुझे 72 नंबर वेटिंग यहाँ पे मिला था। और ये टिकट मैं तब बुक किया था जब ये GNW में था। आप यहाँ पे PNR नंबर देख लीजिए। आप इस PNR नंबर को ध्यान से देख लीजिए। अब दोस्तों, आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पे PNR नंबर डाल के स्टेटस चेक किया था तो ये टिकट यहाँ पे कन्फर्म हो चुका था। यहाँ पे REC में ये टिकट कन्फर्म हुआ था। दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पे GNW वाला वेटिंग टिकट बुक करते हैं तो अगर आपका यहाँ पे पूरा फुल सीट नहीं मिलता है, फिर भी दोस्तों आपका यहाँ पे REC में टिकट कन्फर्म जरूर हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे REC में कन्फर्म नहीं होता है तो आपका यहाँ पे AC कोच में आपका यहाँ पे टिकट कन्फर्म जरूर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे 110% चांस है कि आपका टिकट यहाँ पे कन्फर्म हो जाएगा। दोस्तों, आप इस PNR नंबर को देख लीजिए और यहाँ पे जो PNR नंबर है इसको भी आप यहाँ पे देख लीजिए। दोनों सेम है और दोनों का आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा टिकट कन्फर्म हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपने भी GNW वाला टिकट को बुक करेंगे तो आपका यहाँ पे 110% चांस है कि आपका यहाँ पे टिकट कन्फर्म हो जाएगा। सो इस तरह से आप भी अपने वेटिंग टिकट को कन्फर्म कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। सो इसके बाद भी दोस्तों, आप लोग के मन में किसी भी तरह सवाल हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।